आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित कराने वाला 124वां संविधान संशोधक विधेयक लोकसभा में हुआ पारित। विधेयक के पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 वोट पड़े। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही की गई स्थगित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आज पुणे में होगा आगाज। केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर में किसान सभा को कर रहे हैं संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा ने नहीं किए विकास कार्य। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी। घने कोहरे में से रेल और सड़क यातायात हुआ प्रभावित। सीकर के फतेहपुर में पारा शून्य पर। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह और अब समाचार विस्तार से। देश में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वां संविधान संशोधक विधेयक कल लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक को लेकर हुए मतदान के दौरान इसके पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 वोट पड़े। इससे पहले विधेयक को लेकर करीब 5 घंटे तक चली बहस में लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया। सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे सदन में पेश किया। लोकसभा के बाद अब इस विधेयक को राज्यसभा में पारित कराना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद यह कानून का रूप लेगा। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के निर्णय के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश भाजपा नेता नरपत सिंह राजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए राहतजनक बताया है। आइए वर्तमान में राहुल गांधी जी एक सभा को संबोधित करते हैं, आपको ले चलते हैं सजीव प्रसारण के लिए। उस पोस्ट का हम आदर करेंगे और उनकी हम इज्जत करेंगे। हम बदतमीजी से ना चीफ मिनिस्टर के बारे में ना प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे और जहां उनकी आदर करने की जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी उनकी आदर करेगी। मगर अगर राफेल मामले में नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके दिलवाए तो न्याय का काम भी होगा, विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं लगाया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा में आज पेश किया गया। विपक्ष के विरोध और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता एवं कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने आरक्षण से संबंधित इस बिल को सदन में पेश किया। डीएमके द्रमुख की कनीमोजी ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवा दी। इससे कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के सदस्य उत्तेजित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आज आगाज होगा। 12 दिवसीय इस टूर्नामेंट का केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे में उद्घाटन करेंगे। देश भर के करीब 6,000 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता 9 से 20 जनवरी तक आयोजित होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 17 और अंडर 21 स्तर के प्रतिभागी भाग लेंगे, जो 18 प्रतिस्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। के रूप में सामने आने वाला ये कार्यक्रम एक कदम आगे बढ़कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में सामने है।
जिसके रोमांच में देश बुधवार से गोते लगाएगा और इसके मेजबान के तौर पर महाराष्ट्र का पुणे शहर होगा। पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता के मुकाबले आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 17 और अंडर 21 स्तर के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जो 18 प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाएंगे। पिछली बार 3,500 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट करा था, इस बार 9,000 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछली बार लाइव ब्रॉडकास्ट जो हुआ था वो 7 खेलों का हुआ था, इस बार 9 खेलों का लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। और इस बार हमने टेबल टेनिस और टेनिस को भी शामिल कर लिया है। तो हर साल नए खिलाड़ियों को हम जोड़ेंगे, 1,000 खिलाड़ियों को हम नए जोड़ते रहेंगे साथ। प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में महाराष्ट्र के पुणे में आज से शुरू होने जा रहे खेलो इंडिया टूर्नामेंट में राजस्थान से विभिन्न खेलों में खिलाड़ी भाग लेंगे। राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल अधिकारी महिपाल ग्रेवाल ने बताया कि प्रदेश से टीम स्पर्धा में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक खेलों में खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं एकल स्पर्धा में जूडो, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी, बैडमिंटन और निशानेबाजी में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनके इंडिविजुअल खिलाड़ी वहाँ पर खेलो इंडिया में राजस्थान क्रिकेट से भाग लेंगे और वहाँ रिपोर्ट करेंगे। राजस्थान के खिलाड़ियों से मुझे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के अंडर 17 ग्रुप में मेडल आने की पूरी संभावना है। इसके साथ भी इंडिविजुअल गेम्स में जूडो, जो हाल ही में मिस्टर हेमांग जायसवाल जो कॉमनवेल्थ यूनियस का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी इस खेलो इंडिया में राजस्थान की तरफ से भाग ले रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी मेडल प्राप्त करेगा। साथ ही कुश्ती में पदक प्राप्त। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य के किसानों पर 99,995 करोड़ का कर्जा है, जबकि सरकार महज 18,000 करोड़ माफ करने का दावा कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि आर्थिक रूप से सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस सरकार बताए कि वह किस रोड मैप के आधार पर किसानों का कर्जा माफ करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। अशोक गहलोत जी का यह बयान कि 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा आज राजस्थान की सरकार पर है, यह सिद्ध कर रहा है कि वो चूंकि वो खुद कह रहे हैं सरकार के मुखिया कि सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, FRBM एक्ट के अंदर भी एक कैप लगी हुई है जो कुल हमारी GDP है उसका 2-3% से ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकते, तो ये सिद्ध कर रहा है कि राज्य सरकार के पास अब मुकरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं और राजस्थान की सरकार ने किसान को ठगा है, छला है और उन्होंने कल होने वाली रैली के माध्यम से यू टर्न लिया है। राज्य सरकार ने एक बार फिर अफसरशाही में फेरबदल करते हुए 20 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में IPS राजीव कुमार दासोद को DG ट्रेनिंग और ML लाठर को DG प्रशासन एवं कानून और व्यवस्था के पद पर लगाया गया है। वहीं सतवीर सिंह को DIG RAC और UL चानवाल को DIG कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं लक्ष्मण गौड़ को एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपुर प्रथम के पद पर लगाया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं जनाभाव निराकरण के केंद्रीय अपर सचिव V श्रीनिवास ने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट फ्लो बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित करने के लिए कहा है, जिससे वित्तदायी संस्थाओं को तय सीमा में ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। श्रीनिवास उद्योग भवन में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रमुख सचिव MSME आलोक, आयुक्त KK पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। क्रेडिट फ्लोस किस प्रकार से बढ़ाए जा सकें, जॉब क्रिएशन किस प्रकार से हो सके तथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकें, इसके बारे में मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशंस, बैंकर्स तथा डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स से बातचीत किया हूं और इसमें जो मुझे अवगत कराया गया है कि राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है ठीक तरीके से चल रहा है और स्टेट लीड बैंक ऑफिसर्स की बैठक अभी हाल ही में हुई है कुछ दिन पहले और उनमें कई निर्णय लिए गए जिसमें त्वरित गति से लोन सैंक्शन हो सके। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि समर्थन मूल्य पर मूंग,
उड़द, सोयाबीन और मूंगफली बेचने वाले 19,864 किसानों के खाते में कल 230 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,09,243 किसानों को करीब 1,202 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और शेष किसानों को जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। जयपुर जिले के जोबनेर में स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में उन्नत खेती और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में 9 राज्यों के 20 कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने बताया कि कृषि में किए जा रहे अनुसंधानों और नई तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी जानी चाहिए, जिसका उपयोग वे अपनी कृषि उपज बढ़ाने के लिए कर सके। रखा है उसके तहत हम 20 पार्टिसिपेंट्स हैं 9 स्टेट से, जिसमें हमारे को जो शेड्यूल है उसके अनुसार हमारे को काफ़ी अच्छी जानकारी दी जा रही है। जैसा कि आज हमारे को ओली कल्टीवेशन के बारे में काफ़ी अच्छा श्री योगेश वर्मा जी ने बताया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश कार्यालय में संकल्प से सिद्धि नव भारत अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पार्टी के आईटी विभाग के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। अभियान के प्रदेश संयोजक लोकेश चतुर्वेदी ने बताया कि संकल्प से सिद्धि नव भारत अभियान के तहत आने वाले लोकसभा चुनावों में पहली बार वोट देने वाले युवाओं से संपर्क साधकर पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। उसको भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जोड़ना और आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के कामों के प्रति उसको प्रोत्साहित करना, उसको जोड़ना। और अब खबर मौसम से। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर घना कोहरा छाने से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। सीकर जिले के फतेहपुर में आज पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया। प्रदेश में कई जगह तेज सर्दी को लेकर 1 से 5वीं तक के स्कूलों में 12 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित कराने वाला 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में हुआ पारित। विधेयक के पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 वोट पड़े। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही की गई स्थगित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आज पुणे में होगा आगाज। केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर में किसान सभा को कर रहे हैं संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ने नहीं किए विकास कार्य। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी। घने कोहरे से रेल और सड़क यातायात हुआ प्रभावित। सीकर के फतेहपुर में पारा 0 पर। फिलहाल समाचारों में इतना ही। नमस्कार।